तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हमने एक तरफ जो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना ली है जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज को हमने रिंग स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि कैसा जो है अरेंजमेंट आता है एटम्स का। और एक तरफ जो है हमने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, उसका देखिए किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट आता है किसका, एटम्स का। कल हमने उसकी लीनियर स्ट्रक्चर देखी थी, ऐसे बनाया था लाइन में, ऐसे लाइन में बनाया था कल हमने। आज हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में भी इसको बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एक ग्लूकोज दूसरे फ्रक्टोज से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ोगे तो क्या बन जाएगी, डाइसैकेराइड। तो एक ग्लूकोज दूसरे फ्रक्टोज से जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा, ठीक है। एक ग्लूकोज दूसरे फ्रक्टोज से जुड़ेगा तो डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे ना, दो है तो क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। अगर मैं तीन जोड़ दूं यहाँ तो क्या बन जाएगा, ट्राइसैकेराइड। चार जोड़ देता तो क्या बन जाएगा, टेट्रा। और अगर पाँच जोड़ देता तो पेंटा, ठीक है। तो पहले हम दो का देख रहे हैं कि दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो कैसा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इधर से जो है OH0 और इधर से जो है H, ये जो है रिमूवल हो जाएगा, H2 होगा और आपस में जो है इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इधर से ये हटा दो, इधर से OH हटा दो, इधर से ये OH हट गया, क्या निकल गया, पानी निकल गया यहाँ से, ठीक है। इधर से जो है कहाँ से, यहाँ जो ये जो कार्बन है यहाँ से जो है क्या निकला, OH निकला, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, ठीक है। इधर वाले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन, इसको पहले कर रही थी 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें भी आप नंबरिंग दे सकते हो, इसमें इधर से देखिए पड़ेगी, इसमें 1 2 और 3 4 और उसके बाद 5 और 6, ठीक है। इधर भी 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है, ठीक है। ये जो कोने दिख रहे हैं ना, कोने जो दिख रहे हैं ये कार्बन है यहाँ, ठीक है, समझ में आया। 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन इधर, समझ में आ गया स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ है कार्बन। अब देखो कार्बन नंबर 1 इधर से और कार्बन नंबर 2 इधर से। इधर से जो कार्बन नंबर 2 है उसका हाइड्रोजन जा रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ, और इधर जो कार्बन नंबर 1 है उधर से जो है पूरा OH जा रहा है। ये OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बना लेगा और ये पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा और इनके बीच में जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से कार्बन नंबर 1 से क्या निकला, OH, और इधर कार्बन नंबर 2 से क्या निकला, H। तो इसको हटा दो, ये तो पानी के रूप में निकल जाएगा ना, अभी पानी के रूप में निकल गया, इस ऑक्सीजन को यहाँ ले, ये जो ऑक्सीजन बची ना, ये ऑक्सीजन बची थी यहाँ, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ ले, ये बन गया O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन गया, ये O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। कैसा बॉन्ड बन गया, O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे बना, क्योंकि यहां से पानी निकल गया था, पानी बाहर निकल गया, समझ में आया। यहाँ से क्या निकल गया, पानी बाहर निकलते ही इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, अभी इसके साथ जुड़ गया ऐसे, ठीक है। तो ये जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये कौन सी शुगर बनी, सुक्रोज कौन सी शुगर बनी, सुक्रोज किसमें पाई जाती है, कोई बताएगा, सुक्रोज किसमें पाई जाती है, कौन से खाने में या पीने में, कौन से जूस में पाई जाती है सुक्रोज, गन्ने के हाँ चीनी में कह लो, गन्ने के रस में जो है यही पाया जाता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर सुक्रोज पाया जाता है। चुकंदर खाई है,
चुकंदर में भी यही पाया जाता है, है? रेड रेड सी वो बीट रूट, शुगर बीट है, पागल हो गए तुम लोग।